Hello everyone, after completing names of states, union territories along with their capitals, here we are going to start a new topic, central government, state government, in our part number 3. Okay, I will explain you what is a central government, what is a state government. So let's start. Central government. We have a government that runs the country. देखिए हमारी country इंडिया है, ठीक है। अब government का हिंदी meaning अगर मैं आपको बताऊँ तो government का meaning होता है सरकार, या फिर और easy language में बताऊँ तो ऐसे लोगों का group जो किसी country को control करते हैं officially, ठीक है। So हमारी government क्या करती है, हमारी country को चलाती है। We call it the central government or the union government. उस गवर्नमेंट को हम जनरली क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। क्या नेम दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन कहलाता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। ही हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू हेल्प हिम। इसकी हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, समिति जिसको बोल सकते हैं आप, परिषद जिसको बोल सकते हैं। सो इसकी हेल्प के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। द हेड ऑफ दीज मिनिस्टर्स इज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। और इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड है, या इनके जो हेड होंगे वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन सबसे बड़े हेड कौन है, प्रेसिडेंट, ओके। The capital of a country is a place from where the central government operates. ये देखिए, now we will understand the meaning of a capital. Capital city जैसे दिल्ली जो हम बोल देते हैं, वो क्यों capital है? Capital का मतलब क्या बताया? The capital of a country is a place from where the central government operates. मतलब जो central government है, या जो government है, सरकार है, जो हमारी पूरी country को control कर रही है, run कर रही है, उनके सारे offices कहाँ रहेंगे, या वो काम कहाँ से करेगी, capital से, जी जो भी country का capital होगा, ठीक है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री का कैपिटल क्या है, दिल्ली है, ठीक है। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव देयर ऑफिसेस इन द नेशनल कैपिटल। देखिए प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये प्रेसिडेंट हो गया। वन बाय वन हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। प्रेसिडेंट हेड हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर हो गया, एंड ऑल अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या अदर इम्पॉर्टेंट पर्सन्स हैं गवर्नमेंट में। तो ऑल अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे ये हैं पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये देखिए शो हो रहे हैं हमको इस इमेज के थ्रू, ठीक है। हैव देयर ऑफिस इन द नेशनल कैपिटल, सारे ऑफिस इनके कहाँ रहेंगे, हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली में, ठीक है। कहाँ रहेंगे, दिल्ली में, ठीक है। सो हमने क्या देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए सबसे बड़े हेड हो गए प्रेसिडेंट, देन इनकी हेल्प के लिए हमको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलते हैं जो इनकी हेल्प करेंगे, प्लस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक जो हेड होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्यों बनाई गई है ये भी देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब तो समझ में आ गया कि वो पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रहा है, राइट। अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, देखिए ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज इट्स ओन गवर्नमेंट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। हर एक स्टेट जो हमारी इंडिया में है, 28 स्टेट्स जो मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया है आपको, हर एक स्टेट में अपना एक गवर्नमेंट है जिसको नेम दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट। The head of a state government is called the governor. State government में सबसे बड़ा अधिकारी या जो head है वो कौन है, governor है। He has a council of ministers to help him. Similar structure follow होता है, जैसा central government में हो रहा था, same structure follow होगा state government में। तो उसके पास भी क्या होते हैं, council of ministers होते हैं। The head of these ministers is called the chief minister. अब इन council of ministers के head कौन है, chief minister है, ठीक है।
ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल। देखिए अभी हम कंट्री की बात कर रहे थे, अब हम स्टेट की बात करें तो ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन कैपिटल, हर एक स्टेट का अपना एक खुद का कैपिटल होता है, ठीक है। द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ऑफिसेज इन द स्टेट कैपिटल, ठीक है। देखिए इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं अपन। सबसे बड़े हेड हो गए गवर्नर, राइट। सबसे बड़ा हेड कौन हो गया? गवर्नर। देन उसको पूरा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दिया जाएगा हेल्प के लिए, ग्रुप दिया जाएगा पूरा मिनिस्टर्स का, ठीक है। देन इन मिनिस्टर्स का हेड कौन होगा? लेकिन चीफ मिनिस्टर। अब देखिए अगर हम बेसिकली देखें कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों बनाई गई, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को रन करेगा, इट्स ओके, बट क्या होता है हमारी इतनी बड़ी कंट्री है, ठीक है, इतना बड़ा हमारा रीजन है, एरिया है पूरी कंट्री का, तो जितने भी स्टेट्स हैं अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट बना लेने से क्या होगा, पूरे स्टेट्स को लुक आफ्टर कर पाएंगे, ठीक है। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर नॉट अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं है या जिनका अपना एक गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। दे आर डायरेक्टली अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, वो डायरेक्टली किससे कंट्रोल हो रहे हैं? स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही दूसरा नेम क्या है? यूनियन गवर्नमेंट। दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज, वो देखिए यूनियन टेरिटरीज का अब हमने मीनिंग समझा कि ऐसा एरिया किसी भी कंट्री का जिसका अपना एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं है या अपना ही कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो क्या कहलाएगा? यूनियन टेरिटरी। ईच यूनियन टेरिटरी हैज़ इट्स ओन कैपिटल, ऐसा नहीं है कि कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल है उस यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, बट कंट्रोल कौन करेगा? डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लद्दाख इज द बिगेस्ट यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख। एरिया वाइज अगर हम देखें तो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी मानी जाती है लद्दाख को। एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड्स देखे हैं हमने, राइट, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स सबसे छोटी क्या है? यूनियन टेरिटरी, सबसे छोटा एरिया है उसका, ठीक है। और लक्षद्वीप आइलैंड हमको कहाँ मिलते हैं? अरेबियन सी में, ये भी हमने देखा था, ठीक है, ओके। So everyone, our chapter is completed. This is all for the part number 3. Here, I am going to conclude the whole central government structure and state government structure. First of all, we are going to see the structure of central government, in which the president is the head of central government. For supporting the president or for helping him, there are council of ministers who help the president, okay? And the head of this council of ministers is prime minister, okay? So this is the basic structure of central government. These all officials have their offices, their home in Delhi, which is our capital of India. Thank you. Now we are going to discuss structure of state government. In state government, the head of state is governor, okay? For asserting him, helping him, there are council of ministers who help him, and the head of this council of ministers is chief minister. Okay, so this was the basic structure of state government. I hope you all got the point of central government and state government. At last, one more important information I wanted to share with you. Lakshadweep Island, which is a union territory, is the smallest union territory. And Ladakh, the Union Territory, is the biggest Union Territory of all India. Okay? I hope you all understood. Thank you.